साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। साथियों, राम राज किसको कहते हैं? ये कहा जाता है ना कि एक ही खाट पर शेर और बकरी दोनों अगर बैठे पानी पिए तो राम राज हो जाता। जहां राजा और रंग के बीच में कुछ भी फर्क ही ना हो, शोषक और शोषित के बीच पूरी दूरियां ही मिट जाएं, समता और न्याय स्थापित हो जाए, उसको कहीं ना कहीं राम राज्य कहते हैं। लकी राम राज्य काफी पुराना शब्द है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, जब भारत की लोकतंत्र की बात अगर हम करते हैं, जिक्र करते हैं, तो हम उसे संवैधानिक तथ्य के रूप में देखते हैं। लेकिन आज एक लेटर जारी हुआ, एक ऐसी चिट्ठी जिसने पूरे भारत देश की ध्यान आकृष्ट कर दिया। एक जज ही अपने लिए न्याय की गुहार करने लगे, इससे बुरा और दिन कुछ हो सकता है क्या? जस्टिस लोया की जिंदगी को और उनकी मौत को उसको सिर्फ कहानी में सुनते हैं। यहां पर एक ऐसी महिला जज की कहानी सामने आई है जो आज अपने जीवन को त्यागने की बात कर रहे हैं, और बात ही नहीं कर रही, वो जीवन त्यागने के लिए मांग तक कर रही है। और किससे? इस भारत देश के सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय के सबसे बड़े न्यायाधीश CJI चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ साहब से। एक बात और, क्या उत्तर प्रदेश की बांदा में सिविल जज CJI से चंद्रचूड़ साहब से मांग किया है कि उन्हें जीवन त्यागने की अनुमति दे दी जाए। और जो लेटर उनकी है, उन्होंने अपनी पूरी भावनाओं को प्रकट किया है, व्यक्त किया है, उसमें वेदना उसके भीतर उनता है, और उसके भीतर भारत देश की पूरी न्यायिक व्यवस्था का कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम है। उनका कहना था कि मैं जज की नौकरी इसलिए ज्वाइन करती हूं, इसलिए कंपटीशन में बैठती हूं, एग्जाम में बैठती हूं, परीक्षा में बैठती हूं और सफल होती हूं कि मैं लोगों के लिए न्याय करूंगी। और ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियस सी बात है कि देश के लोकतंत्र के भीतर न्यायिक व्यवस्था को सबसे नैतिक और चित्रमान माना जाता है। वो लोकतंत्र का तीसरा पायदान है, तीसरा स्तंभ है, तीसरा पिलर है। उसकी मजबूती या फिर कहे उन तीनों स्तंभों से कहीं उठकर के ऊपर उठकर के ज्यादा प्रेरणादायी और ज्यादा पवित्र तक माना जाता है। इसमें कहने में कोई गुरेज और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए आज भी भारत देश की अदालत के प्रति लोगों का श्रद्धा भाव बना हुआ है। लेकिन जब कोई भेड़िया ही उस तरह का व्यवहार अगर करने लगे, जब न्यायाधीश खुद न्याय की मांग करने लगे, पुकार करने लगे, तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर आरोप की बात करें तो आरोप यह है कि जब वो 2022 में बाराबंकी में तैनात थे, तो उस समय उनके साथ भरी अदालत के बीच शारीरिक उत्पीड़न किया गया, गालियां उन्हें दी गई, उनका अपमान किया गया। इसकी शिकायत उन्होंने अपने सीनियर जज से किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिन्हें कहते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने भी उसको सुन करके ये कह सकते हैं कि अनसुना कर दिया। थोड़ी बहुत कागजी कार्रवाई केवल हुआ जो खबरें निकल बता रही है। लेकिन फिर सवाल वही कि लड़ाई को जारी रखा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के भीतर भी यह मामला पहुंचा, लेकिन वहां पर भी कोई न्याय नहीं मिला। और आज हालात यहां आ गए कि उन्हें अपने जीवन त्यागने की मांग CJI चंद्रचूड़ साहब से करना पड़ा। तो फिर आप इसको किस नजरिया से देखेंगे? जिस देश में किसान आंदोलन रत रहे, 13 महीने तक बैठे रहे और 750 किसानों की मृत्यु हो गई, शहादत हो गई, लेकिन सरकार के माथे पे एक सिकंद तक नहीं आई। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, तब जाकर के उन्हें होश आया और उन्होंने 3 काले कानूनों को वापस ले लिया। वरना उन किसानों के ऊपर न जाने कौन कौन से इल्जाम लगे, उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, देश विरोधी, और यहां तक कि उन्हें खलनायक तक कहा गया, बताया गया।
एक ऐसा न्याय सिर्फ वही नहीं, अदालतों में नहीं, जिस सरकार को लोग चुनते हैं, लोग बनाते हैं। लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता ही जनार्दन है, लेकिन सरकारें क्या व्यवहार कर रही है। और जिस ओबीसी की जो बात की जाती है, जिन महिलाओं की बात की जाती है, नरेंद्र मोदी जी और सरकार ये बार बार जोर देती है कि वो महिलाओं के वोट से जीत करके आती है संसद के भीतर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के भी पेश हुआ, महिलाओं के आरक्षण को पास किया गया, लेकिन वो कब वो लागू होगा ये नहीं पता। बार बार नारी शक्ति की बात की जाती है, लेकिन एक नारी एक न्यायाधीश के रूप में जो है, जो खुद अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही है। आगे एक और नारियों को लेकर के स्मृति ईरानी ने कहा, उन्होंने कहा, बयान दिया कि महामारी की वजह से कोई काम में बाधा नहीं होती, तो फिर महिलाओं को ये छुट्टी भी नहीं दी जानी चाहिए महामारी की वजह से। यानी वेतन के साथ जो छुट्टियां मिलती हैं उसको खत्म किया जाना चाहिए, जबकि इसके लिए चाहे वो प्रेगनेंसी के समय की छुट्टी हो या फिर महिलाओं के काम के बदले समान वेतन के अधिकार का सवाल हो, डॉक्टर अंबेडकर ने बतौर श्रम मंत्री आजादी के पहले भी जो प्रावधान पारित कराए थे और फिर हिंदू पोर्टल के जरिए हिंदू महिलाओं के उत्तराधिकार का अधिकार या संपत्ति में अधिकार, नेहरू जी के समय पे 55 और 56 के दशक में वो जो चार टुकड़ों में पूरा हिंदू पोर्टल पारित होता है, वो सारे अधिकार आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सत्ता में सरकार में छन्नी हो रहे, खतरे में प्रसन्नांकित हो रहे हैं। ये सरकार है जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम की बात करती है, जिसका नारा था कि बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन नारियों की जब पूजा की बात करने वाले ये पूरी हिंदुत्ववादी जो मनुस्मृति की जो बात करते हैं, यत्र नारी अस्तुतो, ये जो तरह तरह की बातें करते हैं नारी को लेकर के, लेकिन उनकी पूजा कैसे की जाती है नारियों की, या फिर नारियों को पूजा की वस्तु बना करके छोड़ देना और उन्हें केवल वस्तु की तरह इस्तेमाल करना, क्या यह केवल इरादा रह गया है इस पूरी हिंदुत्व की राजनीति के भीतर? अगर नारियों को अधिकार नहीं मिल सकता, अगर एक जज भी अपने लिए न्याय की गुहार अगर लगा करके थक जाती है और उसके साथ अगर न्याय नहीं मिलता है, अगर वह सीजीआई चंद्रचूड़ से जीवन उत्संग के लिए, जीवन त्यागने के लिए अगर दुहाई करती है, तो फिर इस भारत देश में कैसे मुतमईन हो सकते कि नारियों के साथ न्याय किया जा रहा है। नारी सम्मान की बात करते करते पीएम मोदी बृजभूषण शरण सिंह को पूरे संसद में अब तक बैठाए हुए हैं। उस संसद के जो अध्यक्ष महोदय है, उन्होंने निलंबित नहीं किया बृजभूषण को, सरकार ने भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया, जिनके ऊपर आरोप ही नहीं है, अब तो आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया है, हो गया है कि उन्होंने जो महिला पहलवान थी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनका उत्पीड़न किया, इसके बावजूद भी वो बृजभूषण शरण सिंह आज भी माननीय सांसद हैं और संसद भवन के भीतर बैठे और इतने दबंग सांसद हैं। जब एक पत्रकार उनसे सवाल किया कि आपका टिकट कटने वाला है, तो उनका कहना था कि कौन काटेगा, यह वह सरकार है जहां पर नारियों की सम्मान की सिर्फ बात की जाती है, लेकिन नारियों के अधिकार सुरक्षित वहां पे नहीं। वो नारी जो अपने घर से लेकर के और अपने सर्विस जो करती है, जो नौकरियां करती है, उसको जो संभालती है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, क्या उसे इस भारत देश के आम जन लोग भूल जाएंगे? और क्या ये पूरा का पूरा भक्त मंडली जो है, जो कभी यूपीए के गवर्नमेंट के भीतर, यूपीए सरकार के भीतर एक महिला के बलात्कार के बाद जिसने पूरा तांडव कर दिया था, वो पार्टी और उसके तमाम नेता
एक हथनी के मरने पर विलाप भी करते हैं, लेकिन अब उनको इस बात की चिंता ही नहीं है कि जो जज है उसके साथ न्याय नहीं हो रहा, जो खुद जज है उसके साथ न्याय नहीं हो रहा। ये नारी सम्मान की बात करना, नारी सशक्तिकरण की बात करना, ये कहीं ना कहीं जुमला बन करके सामने दिख रहा है। पीएम मोदी की सरकार हो या फिर वो पूरी की पूरी व्यवस्था हो, इसके भीतर नारियों को सम्मान को लगातार छला जा रहा है और न्याय के लिए दर दर भटक रही है। वो पूरा का पूरा महिला पहलवानों का जो आंदोलन था वो खत्म कर दिया गया, खत्म हो गया, और उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह सुरक्षित है। फिर वही सवाल, लेकिन दूसरे तरफ उन महिला पहलवानों को जिस तरीके से लांछित किया गया था, जो आईटी सेल खेल कर रहे थे, वो तो किसी के साथ भी, चाहे उसके भीतर सोनिया गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी यानी विपक्ष का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता हो, या फिर जेएनयू के पढ़ने वाले वो लड़कियां, जामिया में लड़कियां हो या शाहीन बाग में बैठी हुई वही औरतें, जिनके बारे में ये मोदी खुद ही कहते हैं कि उन्हें कपड़ों से पहचान नहीं। जिस देश में प्रधानमंत्री खुद ही बात करते हैं, तो उसके समर्थक क्या कर पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। जब ये मामला इस भारत देश के पूरी न्याय व्यवस्था के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि अगर एक महिला जज ही सुरक्षित नहीं है इस देश में, वो भी भरी अदालत के बीच, तो फिर इस भारत देश की गरीब वंचित मुफलिसी में जीने वाले जिंदगी, दलित किसान मजदूर सबको न्याय कैसे मिलेगा? इस भारत देश में एक साधारण परिवार की कोई महिला को कैसे न्याय मिलेगा, क्या ऐसा उम्मीद किया जा सकता है जब एक जज ही बड़ी अदालत के बीच उत्पीड़न का शिकार हो जाए? ठीक वैसे है जैसे महाभारत के उस मिथक के भीतर द्रौपदी का सारेआम चीरहरण किया गया। फिर वहां तो कृष्ण पहुंचे थे, लेकिन यहाँ इसी लोकतंत्र की जो बातें की जाती है, जिस संविधान की बातें की जाती है कि संविधान को चलाने वाले लोग कैसे हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है कि संविधान सफल होता है या फिर असफल होता है। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब का कहना था, उसी संविधान को आज कहीं ना कहीं ताक पर रख करके जिस तरीके से भारत देश की पिछड़ों, दलितों, वंचितों, मजलूमों, मुफलिसी में जीने वाले जिंदगी जीने वाले लोग, उनके सदुर्भव, महिलाओं के सारे आम उत्पीड़न किया जा रहा है, वहां पर न्याय की कितनी उम्मीद करेंगे? इसी बीच इस जज महोदय जो महोदय का जो मामला है, इसको देखा जा सकता है, पढ़ा जाता है, जहां खुद ही वो न्याय की अन्याय की शिकार और जीवन को त्यागने की मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के भीतर।